नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मुकुल लांबा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज ज्ञान पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल कार्यक्रम बजट 2023-24 लाएगा आशा या निराशा। दोस्तों, अब सबकी नजरें टिकी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी पर और 1 फरवरी 2023 पर। 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 23-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा, जो कि मोदी सरकार 2.0 का लास्ट फुल बजट रहेगा। इस बजट पर सबकी नजरें रहेंगी, चाहे वो आम आदमी हो, शेयर बाजार का निवेशक हो, या बिजनेसमैन हो, या फिर एमएसएमई हो, या फिर स्टार्टअप हो। ये बजट काफी खास है, क्योंकि अगले वर्ष जनरल इलेक्शन 2024 है और उसे देखते हुए देखने वाली बात रहेगी, क्या कुछ जन लुभावने वादे किए जा सकते हैं। यह बजट खास है क्योंकि कोविड महामारी से उभरने के बाद यह पहला बजट है, तो देखने की बात रहेगी क्या सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करेगी, जिससे भविष्य पर कोविड जैसी समस्याओं का निवारण हो सके। यह आजादी के अमृत साल का भी पहला बजट है, जो कि भारत की डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ पहली नींव रखेगा। तो क्या चाहता है आम आदमी इस बजट 2023-24 से, जानेंगे आज के एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा जी के साथ। तो आमंत्रित करते हैं सीए मनोज लांबा जी को आज के अपने स्पेशल शो पर। सर, आपका हमारे कार्यक्रम पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, क्या आज का कार्यक्रम शुरुआत करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, क्या हर बार की तरह इस बार का बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया मुकुल। देखिए, ये अमृत काल का पहला बजट है। 2047 में संपूर्ण भारतवर्ष स्वर्णिम जयंती मनाएगा अपनी आजादी की, और उसकी शुरुआत हो रही है 2023 से। इसलिए अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। अमृत काल को अगर मैं और विस्तार से आपको समझाऊं, तो क्या भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा पाएगा इन 25 सालों में? क्या 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 35 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच पाएंगे? ये सभी सवाल बहुत अहम हो जाते हैं, जिसके करते हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष का बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला होगा। क्योंकि अगर हम एमएसएमई और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करेंगे, तो हम अमृत काल की जो शुरुआत कर रहे हैं वो नींव ही कमजोर हो जाएगी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अकॉर्डिंगली इस बजट पर फोकस होना चाहिए वित्त मंत्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर, जीडीपी को बढ़ाने पर, ताकि आने वाले वर्षों पर हम वाकई ही 35 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार कर पाए। जी सर। तो सर, क्या इस बजट से भी हम कैपिटल ओरिएंटेड बजट की आशा रख सकते हैं? बिल्कुल, कैपिटल ओरिएंटेड बजट ही होगा। बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान किए जाएंगे कि हेल्थ के लिए क्या फोकस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या फोकस होना चाहिए, रियल एस्टेट के लिए क्या फोकस होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वही नेशन डेवलप्ड नेशन बनता है जहां पर ये बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर उठ के हम बातें करते हैं। आज हम कहते हैं कि US नंबर वन इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, सड़कें अच्छी हैं, इलाज अच्छा है, लोगों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, और जो बेसिक जरूरतें हैं जनता की वो सरकार पूरी करने में समर्थ है। अगर भारत को भी नंबर वन पे आना है, तो ये सारी चीजों की शुरुआत इस बजट में देखने ही मिलेगी। क्योंकि नींव फाइनेंस मिनिस्टर मजबूत रखना चाहेंगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी, तो 2024 के इलेक्शन को देखते हुए मेरे को लगता है ये कैपिटल इंटेंसिव बजट होने वाला है। जी सर, मैं भी आपकी इस राय से सहमत रखता हूँ, क्योंकि अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, तो कैपिटल ओरिएंटेड बजट ही आएंगे आने वाले 2-3 साल में। तो सर, मेरा अगला प्रश्न है, क्या वित्त मंत्री पोस्ट कोविड फिस्कल कंसोलिडेशन
को पेश करेगी, क्योंकि कोविड महामारी के बाद ये पहला बजट होगा। देखिए, जो पोस्ट कोविड फिस्कल कंसोलिडेशन की आप बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये पक्का होने वाला है, क्योंकि पिछले दो साल जो 2021 और 21-22 पूरा विश्व कोविड महामारी से ग्रस्त था, और ऐसे में विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ने भी अपनी जनता को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हेल्थ को मजबूत करने के लिए और मैन पावर को बचाने के लिए बहुत रियायतें दी, मुफ्त राशन बांटा, इलाज फ्री कराया गया, कई आइटम्स के ऊपर जीएसटी के रेट कम किए गए, यानी सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे फाइनेंस पैकेजेस लेके आई, जिसके लगते लगता कि सरकार को अब जो पिछले दो सालों में गवाया है, मैं कहूँगा गवाया है या लगाया है, उसको दोबारा रिकवर करना है, उस खाते को, उस घाटे को अब पूरा करना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र फिस्कल कंसोलिडेशन पे जरूर रहनी चाहिए, और फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए वो करों का विस्तार करेंगी। किस तरह से ये 24 के इलेक्शन से पहले करों का विस्तार हो पाएगा, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर का पिटारा खुलेगा, तभी ही हम देख पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन यहाँ पर जरूर होने वाला है। जी सर। तो सर, अब विचार हमारा शेयर बाजार की तरफ आता है कि शेयर बाजार पहले ही हिंडनबर्ग की अडानी शेयर्स पे रिपोर्ट के बाद बहुत घबराया हुआ है, और पैनिक सेलिंग भी शेयर बाजार में लगातार देखी जा रही है। तो बजट के बाद शेयर बाजार का क्या रिएक्शन होगा, इस पर आपकी मत मैं जानना चाहूंगा। देखिए, हिंडनबर्ग की जो खबर आई है, जिसने अडानी की शेयरों को ओवर वैल्यूड करते हुए पैनिक सेलिंग करा दी है। वैसे भी अगर हम पुराना इतिहास देखें शेयर बाजार का, तो शेयर बाजार में सुस्ती आ जाती है बजट आने से पहले, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, बियर मोड में चला जाता है, बुल्स गायब हो जाते हैं। ऊपर से ये हिंडनबर्ग की खबर ने बाजार को हिला के रख दिया है, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि इंडिया के ये शेयर बाजारों का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव खराब है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पूरे विश्व में भारत का बहुत अच्छा है, विदेशी इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों को बड़े आकर्षक नजरिए से देख रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म पैनिक है जो जल्दी ही चला जाएगा, मेरे को ये लगता है, क्योंकि ये बजट भारत की डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की नींव रखने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े अलार्म हो सकते हैं, ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े अलार्म हो सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर बड़े अलार्म हो सकते हैं। तो ऐसे सब में जब ये सेक्टर भारत के बढ़ेंगे तो शेयर बाजार का बढ़ना स्वाभाविक है। शॉर्ट पैनिक है, शॉर्ट समय के लिए ये पैनिक बाजार में क्रिएट हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि लंबे समय तक ये रहने वाला है। लंबे समय में भारतीय बाजारों का भविष्य उज्जवल है, और उज्जवल ही नजर आ रहा है। जी सर, मैं भी आपसे सहमत हूँ, मुझे भी यही लगता है कि ये तेजी के तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल जी सर। तो मेरा अगला सवाल सर स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप्स का। देश में ऑलरेडी 105 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, और काफी स्टार्टअप्स रोज आ रहे हैं और यूनिकॉर्न बनने की राह पर हैं। तो स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग इस बजट में क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं कि स्टार्टअप का प्रोत्साहन किया जाए, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, हिंदुस्तान ने अपनी स्टार्टअप यात्रा 2015 में शुरू की थी। हम फर्स्ट मूवर तो नहीं थे, लेकिन हम फास्ट मूवर हैं। मात्र 7 सालों में हम तीसरे स्थान पे आ गए हैं विश्व में, और हमने एक से एक बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर दिए हैं, और अभी इस संख्या में बहुत सारे सम्मिलित होने को तैयार है। तो जहां तक भारतीय स्टार्टअप की बात की जाए, तो भारतीय स्टार्टअप वित्त मंत्री से बहुत कुछ चाहते, कर रियायतें तो चाहते ही चाहते हैं, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, स्टार्टअप की फंडिंग को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, स्टार्टअप के वैल्यूएशंस को लेके रूल लेके आए जाएं, स्टार्टअप के लिए में एग्जिट कैसे होगा इसके लिए इजी रूल्स बनाए जाएं, बैंकों को एक स्पेशल फंड एलोकेट किया जाए जो सिर्फ स्टार्टअप फंडिंग के नाम पर एलोकेट हो, उनको सस्ते दर पे लोन प्रोवाइड किया जाए, उनके ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट को सरकार प्रोटेक्ट करें, क्योंकि भारतीय ट्रेडमार्क और भारतीय पेटेंट अगर रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोग इग्नोरेंस की वजह से रजिस्टर्ड नहीं भी करा पाते, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार पब्लिक को जागरूक करे, उनके लिए अभियान चलाए, युवाओं को स्टार्टअप के लिए स्पेशल कोर्स कराए जाए,
जहां पर हम थ्योरेटिकल एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस पे देते हैं, हम अब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बदलाव लेके आए कि हम बच्चे की रुचि के अनुसार उसे जिस स्टार्टअप में वो जाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में वो वर्क करना चाहता है, उसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं। आज हिंदुस्तान की बड़ी दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्कूल में बिजनेस स्कूल पे एमबीए तो कराते हैं, लेकिन वो एमबीए व्यर्थ की एमबीए हैं, जहाँ पर असली व्यवसायी नहीं बनाए जाते। असली व्यवसाय तो प्रैक्टिकल करने हैं बनते हैं, आइडिया इंप्लीमेंट करने हैं बढ़ते हैं। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल स्कूल्स का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद सर, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर हमें $5 trillion इकोनॉमी बनना है तो स्टार्टअप्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और स्टार्टअप्स को डेफिनेटली इस बजट में बूस्ट मिलनी चाहिए, यही हमारी आशा रहेगी। सर अब हम 5 trillion की बातें तो पुरानी होगी क्योंकि 3.5 trillion पे तो इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी आ चुकी है। 5 trillion तो हम 1-2 सालों में बन ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। अब तो हमें जो 2047 की बातें हो रही हैं, अगले 25 साल का जो रोड मैप तय हो रहा है, उस रोड मैप की तरफ देखना है। और उस रोड मैप में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है और वाक्य में हमें अगर हिंदुस्तान की स्वर्णिम जयंती मनानी है आज़ादी की, तो उसमें स्टार्टअप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा पिटारा इस बजट में खुलना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर, तो दोस्तों यही थे इस कार्यक्रम के कुछ सवाल। हम इस वीडियो के पार्ट बी में कर से जुड़े सवाल सर के साथ डिस्कस करेंगे, तो इनकम टैक्स और GST से जुड़े सवालों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सर, बाय बाय एंड कीप ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग बिज ज्ञान। थैंक यू।